नमस्कार, आप देख रहे हैं NG24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है बैतूल से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी नेत्री रेखा शिवहरे ने हंगामा किया है। पुडुचेरी के सीएम द्वारा कांग्रेस के समर्थन की बात करने पर भड़की है महिला। आपको बता दें कि कलार समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन का चल रहा था कार्यक्रम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बैतूल से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेत्री रेखा शिवहरे ने यह हंगामा किया है। पुडुचेरी के सीएम द्वारा कांग्रेस के समर्थन में बात करने पर यह महिला भड़की है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीरें INDTV24 आप तक पहुंचा रहा है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले आप तक INDTV24 पहुंचा रहा है, जहां बीजेपी नेत्री रेखा शिवहरे ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि कलार समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान बीजेपी नेत्री रेखा शिवहरे ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। बीजेपी नेत्री को लगातार समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बीजेपी नेत्री का हंगामा जारी रहा। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी नेत्री को मंच से हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनके द्वारा हंगामा जारी रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता अतिन खरे। अतिन, आपसे जानना चाहेंगे, बैतूल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कार्यक्रम में बीजेपी नेत्री रेखा शिवहरे ने जमकर हंगामा किया है, क्या है पूरी जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलार समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है आज बैतूल में, जिसमें मुख्य अतिथि कमलनाथ पहुंचे थे। उनके साथ में पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी भी थे और उनका उद्बोधन चल रहा था, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में बात की। और तभी भाजपा नेत्री जो है रेखा शिवहरे, वो स्टेज की ओर अपनी बात करने के लिए बढ़ी और तभी उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद हंगामा बढ़ा। रेखा शिवहरे के पति भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हंगामा किया और सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक बात करने का आरोप लगाया। लेकिन अतिन, अगर यहाँ पर बात की जाए, कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस का और बीजेपी नेत्री ने वहाँ पर हंगामा किया है, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये कलार समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन था। इसमें देश भर और कई जिलों से कलार समाज के व्यक्ति मौजूद हुए थे, जो कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से अपना अपना नाता रखते हैं। लेकिन क्योंकि कमलनाथ और पुडुचेरी के सीएम वहां मंच पर मौजूद थे और उन्होंने पुडुचेरी के सीएम ने कांग्रेस के समर्थन में जैसे ही बात की, तो जो भाजपा नेत्री नीचे बैठी हुई थी वो भड़क गई इस बात से और वो अपनी बात कहने के लिए मंच की ओर अचानक बढ़ने लगी, तब उनको रोका गया और धक्का मुक्की हुई थी। अतिन, अगर यहाँ पर बात की जाए बीजेपी नेत्री रेखा शिवहरे की, तो क्या कुछ इनसे बात हो सकी, क्या उनके बयान सामने आए हैं? जी, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया है कि सामाजिक कार्यक्रम में इस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए आम लोगों के। ये सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें इसलिए सभी लोग आए थे और एकाएक इससे राजनीतिक बातें करेंगे अगर आप, तो ये गलत होगा। जी, चलिए अतिन, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे थे।